दिल्ली चुनाव के नतीजे आने के बाद देर रात मेहरौली विधायक नरेश यादव के काफिले पर कुछ लोगों ने हमला बोल दिया। हमलावरों की तरफ से की गई फायरिंग में आम आदमी पार्टी के दो कार्यकर्ताओं को गोली लगी है, जिनमें से अशोक मान नाम के शख्स की मौके पर ही मौत हो गई। वहीं घायल कार्यकर्ता हरेंद्र को फोर्टिस हॉस्पिटल वसंत कुंज में भर्ती कराया गया है। जानकारी के मुताबिक नरेश यादव अपनी ओपन कार में बैठकर मंदिर से वापस आ रहे थे, अपने घर लौट रहे थे। अशोक और हरेंद्र दोनों कार में पीछे बैठे थे और नरेश यादव ड्राइवर सीट के बगल वाली सीट पर थे। इसी दौरान गोली चली और हरेंद्र और अशोक को गोली लग गई, जिसमें अशोक की मौत हो गई। हमले के बाद तुरंत नरेश को दूसरी कार में शिफ्ट कर दिया गया। हरेंद्र को पैर में गोली लगी है। नरेश यादव के काफिले पर हुई गोलीबारी को लेकर आम आदमी पार्टी के वरिष्ठ नेता संजय सिंह ने दिल्ली की कानून व्यवस्था पर सवाल उठा दिया। उन्होंने ट्वीट कर बताया कि नरेश मंदिर से लौट रहे थे, तभी उन पर गोलीबारी हुई। ये है दिल्ली की कानून का राज। आपको बता दें, आप विधायक नरेश यादव पर ये जानलेवा हमला की ये कोशिश हुई है वो तो बाल बाल बच गया, पर उनके जो दो सहयोगी थे उनको गोलियां लगी हैं, जिनमें से उनके एक सहयोगी की गोली लगने से मौत हो गई और दूसरा सहयोगी जो है वो घायल है और उनको फोर्टिस हॉस्पिटल में एडमिट करवाया गया है। आपको बता दें, संजय सिंह ने भी इस पर पूरे मसले पर अपनी तीखी प्रतिक्रिया दी है ट्वीट के जरिए। इन्होंने ट्वीट कर जो दिल्ली की कानून व्यवस्था है उस पर सवाल खड़े किए हैं। उन्होंने सवाल या निशान खड़े करते हुए कहा है कि क्या यही दिल्ली का कानून व्यवस्था है, क्या ऐसे ही लोग यहाँ पे सेफ रहेंगे, इस तरीके की बातें उन्होंने कही है। तो वही हमारे सहयोगी अमित दुबे जुड़े हैं हमारे साथ। अमित, ये पूरा मसला क्या था, क्या जिन लोगों ने गोली चलाई उनकी कोई पहचान हो पाई है और उनका गोली चलाने की वजह क्या थी, किस वजह से गोली उन्होंने चलाई है काफिले पर? देखिए, अभी तक पुलिस जो है वो इन्वेस्टिगेशन कर रही है। हालांकि जिस तरह से हमला हुआ उस तरह से पुलिस पे सवालिया निशान जरूर खड़े होते हैं कि आखिरकार इलेक्शन डिक्लेयर हो रहा था, अलर्ट था, लेकिन देर रात जब किशनगढ़ के मेहरौली के इलाके में ही किशनगढ़ है और किशनगढ़ के आसपास जब काफिला पहुंचता है तो उसी टाइम एक व्यक्ति आके और 5-6 राउंड जो है वो फायर करता है और जस्ट जो नरेश यादव विधायक है मेहरौली के, उनके बगल में जो व्यक्ति खड़ा होता है अशोक मान, उसे गोली लगती है, वो घायल हो जाता है और एक और शख्स है जिसे गोली लगी है उसे फोर्टिस हॉस्पिटल में एडमिट कराया गया है। हालांकि पुलिस जो है अभी भी गैंगवार इसे मान रही है, लेकिन आम आदमी पार्टी सीधे तौर पे दिल्ली पुलिस पे निशाना साध रही है कि आखिरकार जो हत्यारे थे क्या वो विधायक को मारना चाहते थे, और ऐसे में जब विधायक सुरक्षित नहीं है तो फिर आम लोग कैसे सुरक्षित हो सकते हैं। जी अमित, वही अगर बात की जाए दिल्ली पुलिस को लेकर, तो क्या इस काफिले में सुरक्षा व्यवस्था नहीं थी? देखिए, सुरक्षा व्यवस्था पूरी थी, क्योंकि जगह जगह जिस तरह से आम आदमी पार्टी जीत हुई है तो हर जगह जो है जश्न का माहौल था, विधायक हर कोई काफिले के साथ में अपने निकल रहा था, मंदिरों में भी कल पूजा अर्चना जो है वो लगातार चल रही थी और ये विधायक भी मंदिर में ही दर्शन करने करके आ रहे थे जब ये फायरिंग हुई है। लेकिन जिस तरह से भीड़ का एक माहौल होता है तो उस माहौल में एक कोई अजनबी व्यक्ति आता है और वो फायरिंग 5-6 राउंड फायर करके निकल जाता है और उस भीड़ में पुलिस की जो पुलिस तैनात थी उस पुलिस के आंखों में एक तरह धूल झोंकता हुआ निकल जाता है और पुलिस जो है उसे पकड़ नहीं पाती है। हालांकि जो है पुलिस अब इन्वेस्टिगेशन कर रही है, पुलिस इसे जो है वो विधायक पे हमला ना मानते हुए बल्कि आपसी रंजिश की बात कह रही है कि अशोक मान का जो मान नाम का जो व्यक्ति था उसकी शायद किसी के साथ कोई रंजिश थी और उसी थ्योरी पे पुलिस इन्वेस्टिगेशन कर रही है। हालांकि पुलिस और भी तरह से इसे जांच के दायरे में ला रही है, लेकिन अभी तक ना तो हत्यारा पकड़ा गया है और ना ही पुलिस ने अब तक मामले का कोई खुलासा किया है। जी अमित, अभी अगर बात की जाए दिल्ली पुलिस को लेकर, तो क्या ये पूरा मामला दिल्ली पुलिस पर सवाल निशान खड़ा करता है, क्योंकि जिस तरीके से आपने बताया कि लगातार जो विधायक थे वो अपने काफिले के साथ निकल रहे थे और उनके साथ जो सुरक्षा व्यवस्था थी वो ठीक ठाक थी, लेकिन ऐसे में जब सुरक्षा व्यवस्था तैयार थी, दिल्ली पुलिस के जवान भी थे और ऐसे में कुछ लोग आते हैं गोली चलाकर फरार हो जाते हैं और उनकी अभी तक कोई खोज खबर भी नहीं है। जी बिल्कुल, देखिए क्योंकि जो खास तौर पर दिल्ली पुलिस की माने तो जिस तरह से जो काफिला चल रहा था तो उसमें सैकड़ों की संख्या में लोग जो है वो थे और जो पुलिस सुरक्षा थी वो इर्द गिर्द सुरक्षा थी, कुछ कांस्टेबल दिल्ली पुलिस के जवान जो है वो बीच में भी इधर उधर चल रहे थे, लेकिन अचानक में जिस तरह से हमला हुआ पुलिस को शायद इस चीज का अंदेशा भी नहीं था कि इस तरह की कोई वारदात हो सकती है और अचानक में 5-6 राउंड जो है फायर होता है, फायर होने के बाद ना सिर्फ ये गोली लगती है बल्कि एक व्यक्ति की मौत होती है, घायल होता है, तो जाहिर तौर पर सवाल जरूर खड़े करता है। और यही वजह है कि दिल्ली के आम आदमी पार्टी के प्रभारी संजय सिंह ने साफ तौर कहा है कि जब
विधायक सुरक्षित नहीं है तो हम लोग कैसे सुरक्षित हो सकते हैं। और ऐसे में विधायक का भी बयान आया कि जाहिर तौर पर उसके बगल में खड़ा हुआ व्यक्ति जिसे गोली लगती है और उसकी मौत हो जाती है, तो ऐसे में गोली विधायक वो लोग उसी व्यक्ति को मारने आए थे या विधायक को मारने आए थे, ये भी एक बड़ा सवाल पैदा होता है। और गोली किसी और को भी लग सकती थी। जी जी अमित, बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ इस खबर में जुड़ने के लिए।